हेलो दोस्तों, को बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेस्टिक जीकेपी में। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं जियो पॉस लाइट के बारे में। दोस्तों आपको पता होगा जियो पॉस लाइट से जियो का रिचार्ज होता है और काफ़ी अच्छा यहाँ पे इनकम भी होती है आपको। यहाँ पे इंस्टेंट आपको कैशबैक दिया देता है। बात करते हैं अगर आप लोड मनी करते हो तुरंत आपको यहाँ पे आपको जो भी कमीशन मिलता है इंस्टेंट पहले रिचार्ज करने से पहले आपको मिल जाता है। तो इसमें से जियो पॉस लाइट से रिचार्ज करने के अलावा और भी नए नए सिस्टम्स आ गए हैं अपडेट में और मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल घंटी प्रेस कीजिए, जिससे कोई भी वीडियो पर सबसे पहले आपके लिए, क्योंकि हर रोज में ऐसे नए टिप्स और ट्रिक लेके आपके लिए आता रहता हूँ। दोस्तों मैं बता देता हूँ इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, ये जो वीडियो है स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बस आपकी एजुकेशन पर्पज और आपकी जानकारी हेतु मैं बना रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले जियो पॉस लाइट जो जियो कॉप्सी लाइफ है इस एप्लीकेशन को ओपन करनी होगी। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र है दोस्तों आपको साइन अप करने की ज़रूरत है। साइन अप का मतलब होता है फर्स्ट टाइम यूज़र। जो अभी आपने अगर जियो पॉस लाइट नहीं यूज़ किया है तो जियो पॉस इंस्टॉल करने के बाद साइनअप करिएगा। साइनअप करने पर वहाँ पर आपको मोबाइल नंबर जो जियो का ही डालना है आपको, और उसके बाद यहाँ पर जो भी नाम जो भी पूछेगा उसको डाल के आपको सिंपली सबमिट कर देना है। उसके बाद इसको रजिस्ट्रेशन का मैं एक वीडियो मेरे पास है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, उसको आप बढ़िया से देख लीजिएगा। साइनअप करने का प्रोसेस पूरा पता चल जाएगा आपको। तो आपने अगर साइनअप कर रखी है पहले से तो सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करनी है, जैसे मैंने पहले से साइनअप की है, और उसके बाद आपको दिखाता हूँ कौन से नया फीचर्स आ गया है और भी कैसे ढेर सारा इनकम कर सकते हैं इस एप्लीकेशन से। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है इस एप्लीकेशन को ओपन होने में, क्योंकि नेट काफ़ी स्लो है। अगर नेट आपकी स्लो होगी तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो आपको वेट कर लेनी है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जियो पॉस लाइट जो एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन हो चुकी है, होम पेज पे आ चुकी है। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, फिर लाइन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिकेंगे दोस्तों यहाँ पे नीचे आने के बाद एक ऑप्शन मिलता है अपग्रेड एंड आर नंबर का, इस ऑप्शन को आपको क्लिक करनी होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे आ चुके हैं आप अपग्रेड एंड ऑन मोड पे। यहाँ पे लिखा हुआ है बीकॉम एंड एक्टिवेशन पार्टनर, नीचे लिखा हुआ है अपग्रेड एंड ऑन मोड 100% पेपरलेस प्रोसेस, जस्ट अपडेट आधार कार्ड पैन कार्ड एंड फ्यू एडिशनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड को अपडेट करने की ज़रूरत है अपनी। और यहाँ पे नीचे लिखता है आगे गेट गोइंग विथ न्यू लाइन ऑफ बिजनेस एंड मोर। यहाँ पे मतलब एक व्यवसाय करने का नई तरीका और यहाँ पे अच्छा खासा इनकम आप कर सकते हैं। इतना पढ़ने के बाद आपको एक नीचे बटन मिल रहा होगा प्रोसेस का, उस पर क्लिक कर देनी है। जैसे क्लिकेंगे दोस्तों आप अपने साइनअप पेज पर आ जाएंगे। यहाँ अपनी आपका जो भी नाम होगा यहाँ पर शो करेगा और ईमेल आई डी जो भी रजिस्टर्ड होगा वहाँ पर शो करेगा, और नीचे आपको आधार नंबर डालने की ज़रूरत है और साइड में अपलोड का ऑप्शन आता है। तो इस बटन पर क्लिक करने के बाद आपको आधार कार्ड की फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों साइड अपलोड कर दीजिएगा उसका फोटो, और नीचे आता है पैन कार्ड नंबर यहाँ पे डालनी है और उसका फोटो यहाँ पे साइड में अपलोड करनी है। उसके बाद इतना करने के बाद दोस्तों नीचे आता है POA सेम एज आधार। अगर आपका POA सेम आधार है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका सब सेम है तो वही रहने देना है, नहीं तो कुछ यहाँ पे जो भी आपका है अलग से वहाँ पे डाल देनी है। अगर नहीं है PO का मतलब आपका लोकल एड्रेस, कई लोग का क्या होता है दो एड्रेस होती है, एक घर वाला एक बाहर जहाँ पे रहते हैं। तो आपको क्या करनी है PO पे सेम रहने देनी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास GST नंबर है तो यहाँ पे GST वाले पे क्लिक करके GST नंबर डाल देनी है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको अनटिक कर देना है। इतना करने के बाद आपको कंटिन्यू करना है। चलिए मैं यहाँ पे अपना जो भी आधार कार्ड नंबर है पैन कार्ड नंबर है यहाँ पे सबको अपलोड कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स जो अपडेट कर दी यहाँ पे अपलोड कर दी है। उसके बाद आपको सिंपली जो है नीचे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करनी होती है, और यहाँ पे देखते हैं कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे बोल रहा है लोकेशन ऑन करने के लिए, तो आप पहले से ऑन कर लीजिए बेहतर रहेगा। यहाँ पे मैंने ऑन कर चुका है। उसके बाद GPS से आपका जो लोकेशन ट्रैक करेगा, अपनी लोकेशन दिखे आपकी लोकेशन दिखे तो यहाँ पे अलाउ करके डन कर देनी है। लोकेशन एड्रेस अपडेट करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, तो जो भी आपका एड्रेस है यहाँ पे डाल दीजिएगा सिंपली। उसके बाद यहाँ पे लैंडमार्क जो भी है वो भी डाल देनी है। तो मैं यहाँ पे फटाफट अपना जो है यहाँ पे एड्रेस लोकेशन जो भी है डाल देता हूँ, ट्रैक लोकेशन। फ्रेंड्स हमने यहाँ पे अपनी जो लोकल एड्रेस है उसको डाल दिया है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे कंटिन्यू की बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन कुछ आया है, और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ यहाँ पे कंडीशन हो गया है रिलायंस जियो लिमिटेड की तरफ से, और एक्टिवेशन फॉर्म यहाँ पे नीचे को देखने को मिलता है। फ्रेंड्स यहाँ पे एक्टिवेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे भी आपको यहाँ पे एक्टिवेशन फॉर्म भी एक्टिवेट हो चुका है, ऐसे कुछ यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद नीचे POS इन्फॉर्मेशन फॉर्म ये भी यहाँ पे हो चुका है, देखिए इट इज़ द बॉट योर नोटिस ऑर्डर कंप्लीट, ये भी हो चुका है। उसको नीचे देते हैं गेट जनरेट OTP, यहाँ पे आपके जो जियो का नंबर आपने जिस नंबर से लॉगिन कर रखा है उस नंबर पे OTP आएगा, उसको सिंपली यहाँ पे डाल देनी है। OTP डाल दी, उसके बाद यहाँ पे वैलिड OTP पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे थैंक यू फॉर साइन अप विद जियो पॉस्ट लाइट, यहाँ पे थैंक यू का डिटेल आ गया है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, डन कर देना है। डन करने के बाद ये आपके फिर से आपका फ्रंट पेज पे आ जाएगा। उसके बाद फिर से आपको लॉगिन करना होगा इसको, जैसे लॉगिन करेंगे उसी नंबर से लॉगिन करना है जो नंबर से आपने रजिस्टर कर रखा है,
जियो के उसी नंबर से आपको फिर से लॉग इन कर देना है। तो यहाँ फिर से हम नंबर डाल के यहाँ पे जहाँ OTP क्लिक करना है, आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगी। तो सिंपल यहाँ पे OTP डाल देता हूँ, उसके बाद वैलिड OTP क्लिक करते ही देखिए थैंक यू फॉर साइन अप विद जियो पोस्ट लाइट, गो टू डैशबोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आ जानी है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे अप्लीकेबल हो गए हैं। यहाँ पे कुछ समय के बाद जो आपकी जियो पोस्ट लाइट में आपकी सिम एक्टिवेशन प्रोसेस जो है कुछ वक्त लगता है यहाँ पे, जो आपके यहाँ पे इनेबल कर दीजिए कि यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको जियो सिम एक्टिवेशन करने का प्रोसेस, ठीक है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेना है, यहाँ पे हो सकता है वो 24 घंटे 12 घंटे कुछ भी लग सकते हैं, इसकी कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे आप सिंपली कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो एक न्यू अपडेट थी जियो पोस्ट लाइट में जो हमने आपको बताया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कोई वीडियो सबसे पहले आपको